चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होने जा रही है। दिल्ली में आज बड़ी बैठक होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में आज जो बड़ी बैठक होगी उसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। दरअसल मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर एक घोषणा पत्र तैयार किया जाना, उन घोषणा पत्र में क्या वादे होंगे, मोदी की कौन सी गारंटी होगी, किन किन बिंदुओं को शामिल करना है, ये सुझाव लिए जाएंगे। दरअसल इसके पहले भी बीजेपी ने अलग अलग स्थानों पर रथों को रवाना किया था, आपको याद होगा मैनिफेस्टो के लिए एक रथों को रवाना किया था जिसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जनता के सुझावों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसे में प्रदेश के मुखिया जो पहुंच रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो अपने अपने राज्यों के जनता से लिए हुए सुझावों को इस कमेटी के सामने रखेंगे और फिर अलग अलग राज्यों के उन्हीं बिंदुओं को संभवतः इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है घोषणा पत्र समिति की आज। मैनिफेस्टो समिति की 10:30 बजे बैठक है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मुझे इस बात के मन में प्रसन्नता भी है कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी को नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बन रहा है, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए। यद्यपि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते जरूर है, लेकिन फिर भी 21वीं शताब्दी का भारत कैसा हो, इस नाते से उन्होंने अपना घोषणा पत्र हमको अपनी पार्टी का सामने रखना है, कई हमारी योजना भी लेके जा रहा है। घोषणा पत्र का एक एक शब्द हम सबके लिए गीता कुरान रामायण की तरह रहेगा, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, हम उस पर पालन करें। तो देखिए आपने सुना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घोषणा पत्र का एक एक शब्द हमारे लिए रामायण के ग्रंथ के समान रहेगा और जिस पर हमें अमल भी करना है, जिसे हमें पूरा भी करना है। तीसरी बार सरकार बनानी है तो घोषणा पत्र उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना की प्रत्याशी। सीधे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रंजना, हमने देखा था पिछले दिनों भी घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने रथों को भी रवाना किया था ताकि जनता के मुद्दे, जनता के सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके, और आज तो एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। देखने वाली बात है कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए किन किन प्रमुख बिंदुओं को, किन किन गारंटीज को बैठक में और इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में। जी जय बिल्कुल, आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और मैनिफेस्टो कमेटी की यह बैठक है जिसमें खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। जय, इस बार का जो मैनिफेस्टो है वो हर बार के मैनिफेस्टो से इस बार थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खुद जनता से मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांगे हैं और इसीलिए प्रदेश भर के हर जिले में जो मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए जो रथ है वो रवाना हुए थे, सुझाव पेटियां वहां पर भेजी गई थी जिसमें जनता अपने अपने सुझाव भेज सकते हैं और उन्हीं सुझावों को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसकी बात जनता क्या चाहती है, किस तरीके का मैनिफेस्टो होना चाहिए और इस मैनिफेस्टो में कौन कौन सी बातें हैं जो सबसे पहले होनी चाहिए, तो इन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी। और एक और सुविधा मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने दी थी जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मिस्ड कॉल करके वो अपनी बात पहुंचा सकते थे। तो इस तरह से आज इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो मैनिफेस्टो है उस पर चर्चा की जाएगी। और इस बार सबसे खास बात यह है जया, इस बार जो मैनिफेस्टो है वो जनता के सुझावों के बाद उनके ही हिसाब से तैयार किया जाएगा, तो बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक। और जब मैनिफेस्टो यानी बीजेपी का जब घोषणा पत्र आएगा तो वो भी जनता के लिए ही होगा, तो कुल मिलाकर ये जो मैनिफेस्टो है बेहद खास और देखने वाला होगा कि किस तरीके से जनता के सुझावों के बाद ये तैयार किया जाता है। निश्चित तौर पर अंजना, और ये केवल घोषणा पत्र नहीं रहेगा बल्कि वो बातें होंगी, वो गारंटीज होगी जो तीसरी बार अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो उन्हें पूरा भी करना होगा। इसलिए बहुत फोकस इस बैठक पर किया जाएगा और बहुत फोकस होगा कि आखिर जनता से जुड़े हुए किन किन मुद्दों को हमें घोषणा पत्र में शामिल करना है। फिलहाल शुक्रिया आपका अंजना, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।